खबर रीवा जिले से है, जहां युवक के साथ आरोपियों ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे एवं पैसे ना देने पर आरोपी युवक के साथ मारपीट करने लगे, जिसकी शिकायत करने युवक शहर के सिटी कोतवाली थाने पहुंचा, जहां युवक की शिकायत नहीं सुनी गई, जिस पर आज युवक जन सुनवाई में एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से शिकायत की है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर कब तक सुनवाई हो पाती है। हम आए थे एसपी का थाना प्रभारी को सिटी कोतवाली में, हम दिया था संजू खान का नाम का लड़का है जो लगातार अनाप शनाप सब तो माँ बहन के गाली देता है, और जिसकी शिकायत हम पिछिया था सिटी कोतवाली थाने में गए और आवेदन भी दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए एसपी साहब के पास में मिलने आया हूँ और एसपी साहब को आवेदन दे रहा हूँ। श्रीमान ने आदेश दिया है कि नहीं कार्रवाई होगी। और आपके साथ जैसे रिपोर्ट में है कि उनने मारपीट और पैसे की मांग की है उसने, वो हमसे पैसे की मांग कर रहा था, पैसा दारू पीने के लिए दे दो और नहीं तो ये है वो है, माँ बहन की गाड़ी दे रहा था, इस कारण में सीधे एसपी साहब के पास आया पूरा निवेदन करना है। श्रीमान ने आदेश किया है कि नहीं कार्रवाई होगी, इसकी प्रति भी मैं लिया हुआ हूँ। कोई पुराना विवाद? कोई विवाद नहीं था, वो नशा के लिए दारू पीते हैं लोग 24 घंटा, और दारू पी के चौराहे में लगातार माँ बहन के ठेले वाले फेले के हर व्यक्ति को, इस व्यक्ति ने परेशान करके रखा है। कौन लोग हैं ये? और ये संजू खान और एक दो पासी हैं वहाँ के लड़के हैं जो लगातार वहाँ दारू पीते हैं, दारू पी के गरीबों को ठेला वालों के इनको सबसे पैसा वसूलते हैं। उसी दिन हम पार्टी में चले जा रहे थे तो हम तो बोले पैसा दारू के लिए दे दो, तो हम बोले पैसे से नहीं, हम जा रहे पार्टी में, तो हाथ वो छोड़ने लगा, लपड़ने लगा, तो इसलिए श्रीमान के पास मैं निवेदन करने आया। आपका नाम? मेरा नाम मनोज तिवारी, पप्पू सरपंच। अच्छा हाँ।